हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट यूनिट, नाम है डायरेक्शंस। कई बार स्टूडेंट से डायरेक्शन सेंस भी बोलते हैं, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम सिलेबस की तरफ जाते हैं, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि डायरेक्शन सेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। देखो, बहुत सिंपल है, थोड़ा भी डरने की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखो, सपोज बहुत सिंपल करके यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सपोज मेरे पास एक पेज है, मेरे पास क्या है, एक पेज है। पेज पर अगर मुझे डायरेक्शंस दिखानी है तो डायरेक्शंस कैसे दिखाते हैं ये यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। देखो, तो ये पेज मेरे पास है, इस पेज को मैंने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपके सामने एक पेज है, ऐसा एज्यूम करो, ठीक है। देखो, अब इस पेज पर मुझे डायरेक्शन दिखानी है तो सबसे पहले डायरेक्शन आती है नॉर्थ, ठीक है। देखो, यहां पर एक पेज है, इस पेज पर मैंने क्रॉस साइन लगाया, ठीक है। एक प्लस वाला साइन यहां पर आपके सामने है, तो अगर मैं इस पेज पर अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर डायरेक्शन दिखाऊं तो इस डायरेक्शन को बोला जाता है नॉर्थ डायरेक्शन। क्या बोला जाता है, नॉर्थ। शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा जाएगा कैपिटल एन, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो दिखाया जाता है वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर देखो, अब नॉर्थ के एग्जैक्टली अपोजिट जो होगा, मतलब अगर मैं यहां पर एक एरो दिखाता हूं तो इस डायरेक्शन को बोला जाएगा साउथ डायरेक्शन। क्या बोला जाएगा, साउथ डायरेक्शन। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा स्मॉल ईयर्स, डरने की बात नहीं है। अपवर्ड जो होगा वो होगा नॉर्थ, डाउनवर्ड जो होगा वो होगा साउथ। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ के 90 डिग्री पर, नॉर्थ के राइट साइड में 90 डिग्री पर जो डायरेक्शन होगी, मतलब ये समझ में आ रहा है ना, ये नॉर्थ था, नॉर्थ से 90 डिग्री, मतलब ये जो डायरेक्शन होगी इसे बोला जाएगा ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोला जाएगा, ईस्ट, कैपिटल ई, शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला जाएगा, क्लियर है। हाँ, अब ईस्ट के जो अपोजिट होगा दैट इज कॉल्ड एज वेस्ट डायरेक्शन, शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल डब्ल्यू। डरो मत, कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो, मेरे पास एक पेज है, इस पेज पर अगर मैं एक प्लस का साइन निकलता हूं तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो जाएगा मतलब नॉर्थ के जो एग्जैक्टली 180 डिग्री पर होगा उसे बोला जाएगा साउथ डायरेक्शन। अगर मैं नॉर्थ के 90 डिग्री राइट साइड में 90 डिग्री पर अगर मैं एरो दिखाता हूं तो उसे बोला जाएगा ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट के एग्जैक्टली अपोजिट मतलब 180 डिग्री पर जो होगा दैट इज कॉल्ड एज वेस्ट डायरेक्शन। यहां पर देखो, सपोज अगर मैं 90 डिग्री से मुड़ जाता हूं तो कौन कौन सी डायरेक्शन आएगी। यहां पर देखो, सपोज मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, इस डायरेक्शन में जब मैं देखता हूं तो सबसे पहले मुझे मिलता है नॉर्थ डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इस तरफ देखता हूं तो मेरे पास कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर मैं यहां से 90 डिग्री मुड़ जाता हूं तो 90 डिग्री मतलब कौन सी डायरेक्शन मिली आपको, आपको मिली वहां पर ईस्ट डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ के बाद आएगा ईस्ट डायरेक्शन। कौन आएगा, ईस्ट डायरेक्शन। अब ईस्ट के बाद अगर मैं 90 डिग्री मुड़ा मतलब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन। मतलब ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब जब मैं साउथ से 90 डिग्री यहां पर मुड़ता हूं तो कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। तो सीक्वेंस रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन आता है नॉर्थ। नॉर्थ के बाद आपको मिलेगा ईस्ट, ईस्ट के बाद आपको मिलेगा साउथ, साउथ के बाद आपको मिलेगा वेस्ट। यहां पर देखो, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ऊपर वाला जो होगा वो होगा नॉर्थ, नॉर्थ से 90 डिग्री पर होगा ईस्ट, ईस्ट से 90 डिग्री पर होगा साउथ, साउथ से 90 डिग्री पर होगा वेस्ट। समझ में आ रहा है। हाँ, अब यहां पर देखो, कोई बोलेगा कि नहीं मुझे नॉर्थ यहां पर नहीं चाहिए, मुझे नॉर्थ चाहिए यहां पर। सपोज ये है आपके पास नॉर्थ, देखो हमने यहां पर क्या किया था, अगर ये नॉर्थ है तो उसके एग्जैक्टली जो अपोजिट है वो साउथ है। सिमिलरली यहां पर वही करना है, अगर ये नॉर्थ है तो इसके अपोजिट यहां पर क्या होगा, साउथ होगा। यहां पर देखो, अगर ये नॉर्थ है, नॉर्थ के 90 डिग्री पर कौन था, ईस्ट था। अब यहां पर देखो, ये नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट साइड में, समझ में आ रहा है ना। अगर ये नॉर्थ है, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, ये नॉर्थ है, मेरा राइट ये है, मतलब इस नॉर्थ के राइट साइड में अगर मैं 90 डिग्री मुड़ू मतलब ये, अब यहां पर ये क्या होगा, ईस्ट होगा, क्योंकि यहां पर भी 90 डिग्री पर जब मैं मुड़ता था तब क्या मिला था आपको, ईस्ट मिला था, और ईस्ट के अपोजिट यहां पर वेस्ट था, मतलब यहां पर भी ईस्ट के अपोजिट कौन होगा, वेस्ट होगा। तो ये बन गई आपकी डायग्राम नंबर वन, यहां पर ये बन गई आपकी डायग्राम नंबर टू। कोई बोला नहीं मैंने, आपने नॉर्थ यहां पर लिया, आपने नॉर्थ यहां पर लिया, मुझे नॉर्थ यहां पर चाहिए, ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मैंने ये कंसीडर किया है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, क्या किया था हमने दोनों डायग्राम में, नॉर्थ के अपोजिट जो होगा वो साउथ, नॉर्थ के जो अपोजिट होगा वो होगा साउथ। अगर ये नॉर्थ है इसका मतलब ये कौन होगा रे, ये हो गया साउथ,
ये कौन हो गया, साउथ हो गया, डरो मत कुछ भी नहीं है। नॉर्थ के 90 डिग्री पर, नॉर्थ के राइट साइड 90 डिग्री पर ईस्ट है, नॉर्थ के राइट साइड 90 डिग्री पर ईस्ट है। अब यहां पर समझ में आ रहा है ना, अब यहां पर ये नॉर्थ है, मतलब मैं ऐसा, ये नॉर्थ है, मेरा राइट यहां पर है, मुझे मतलब मुझे यहां पर मुड़ना होगा। सिमिलरली यहां पर अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये नॉर्थ है, यहां से 90 डिग्री राइट, मतलब ये ईस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, ईस्ट के अपोजिट कौन होगा, वेस्ट होगा। ये बन गई आपकी डायग्राम नंबर 3। तीनों कंडीशंस आपको मालूम होने चाहिए, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। और एक सिंपल तरीका बताता हूं, अगर ये सीक्वेंस भी अगर आपको मालूम है, नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, फिर भी आपको मिलेगा। अगर ये नॉर्थ है, नॉर्थ के बाद 90 डिग्री ईस्ट, ईस्ट के बाद 90 डिग्री साउथ, साउथ के बाद 90 डिग्री वेस्ट। सिमिलरली नॉर्थ, नॉर्थ के बाद 90 डिग्री ईस्ट, ईस्ट के बाद 90 डिग्री साउथ, साउथ के बाद 90 डिग्री वेस्ट। तो ये बन गए आपके डायरेक्शंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो हमारे पास अब तक तो आपको मालूम हो गए कि चार डायरेक्शंस है। चार डायरेक्शन कौन कौन सी है, सबसे पहली डायरेक्शन आपके पास है कौन सी, यहां पर मैं बोलूंगा ये हो गया नॉर्थ। नॉर्थ के अपोजिट कौन सी हो गई, नॉर्थ के अपोजिट हो गई साउथ, क्लियर है। हाँ, नॉर्थ के राइट साइड में जो होगा 90 डिग्री पर उसे बोला जाएगा ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट जो होगा उसे बोला जाएगा वेस्ट, ठीक है। हाँ, ये तो चार डायरेक्शंस है ही, बट इस चार डायरेक्शन को छोड़कर और चार डायरेक्शन से वो क्या होते हैं वो आपको जानना है, ठीक है। यहां पर देखो, अब जब मैं नॉर्थ एंड ईस्ट की बात करता हूं तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ईस्ट और साउथ के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, साउथ और वेस्ट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, वेस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो मेन चार साइड्स है इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। वन राइट, देखो ये बाद में बताऊंगा, एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्लियर है। हाँ, नॉर्थ एंड साउथ, यहां पर देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है, अगर ये 90 डिग्री है उसका, ये अगर 90 डिग्री है तो इनके बीच का ये एंगल कितना होगा रे, ये एंगल हो गया 180 डिग्री। नॉर्थ और साउथ के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है, डरो मत। यहां पर देखो अब मुझे क्या करना है, यहां पर देखो अब और चार डायरेक्शंस है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच एक डायरेक्शन आएगी, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच एक डायरेक्शन आएगी उसे बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उसे क्या बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्या बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद साउथ एंड ईस्ट के बीच एक डायरेक्शन आएगी उसे बोला जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देखो यहां पर ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये विथ रिस्पेक्ट टू पोल बताए जाते हैं। पोल कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल, एक तो होता है साउथ पोल, इसलिए मैंने पहले नॉर्थ ईस्ट लिखा है, ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखा। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि नॉर्थ ईस्ट लिखा है, मैं ईस्ट नॉर्थ लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते। हमेशा ये जो कॉर्नर वाली ये 45 डिग्री पर जो डायरेक्शन है ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पोल दिखाई जाएगी। पोल कौन से है, एक तो नॉर्थ नहीं तो साउथ, इसलिए यहां पर भी मैंने क्या लिखा, साउथ ईस्ट लिखा, ईस्ट साउथ नहीं लिखा। देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो आएगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच जो आएगा वो क्या होगा साउथ ईस्ट। सिमिलरली साउथ एंड वेस्ट के बीच जो आएगा वो क्या होगा, वेस्ट साउथ नहीं, वेस्ट साउथ नहीं, साउथ वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी साउथ वेस्ट, क्लियर है। हाँ, अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच जो डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी, वो होगी नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि पोल के विद रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं नॉर्थ वेस्ट। ये आठ डायरेक्शंस आपके सामने है, अगर ये आपको समझ में आ गए तो सारा चैप्टर यहां पर सिंपल हो गया, क्लियर है। हाँ, मैंने क्या बोला था, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। सिंपल एक बात बताओ, इसे क्या किया है, डिवाइड किया है, एग्जैक्टली 45 डिग्री पर है ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा ये होगा 45 डिग्री, इसके बाद ये वाला जो एंगल होगा ये भी होगा 45 डिग्री, उसके बाद ये दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो भी होगा 45 डिग्री, ये जो एंगल होगा ये भी होगा 45 डिग्री। काउंट करो, काउंट करो, 45 प्लस 45 90, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, मतलब ये टोटल कितना हो गया 180 हो गया। उसके बाद ये जो एंगल होगा ये भी एंगल होगा 45 डिग्री, ये जो एंगल है ये भी एंगल हो गया 45 डिग्री, ये जो एंगल होगा ये भी एंगल होगा 45, और ये लास्ट में ये भी होगा 45 डिग्री। सबकी अगर मैं एडिशन कर देता हूं तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो यहां पर रिमेंबर करने वाली बात क्या है, चार डायरेक्शन मेन थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। इनको छोड़कर और चार डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट।
ईस्ट और साउथ के बीच जो आएगा वो होगा साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच जो आएगा वो होगा साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच जो आएगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट। सबके बीच का एंगल 45 45 45 होगा, बट अगर नॉर्थ ईस्ट का होगा 90 डिग्री, ईस्ट साउथ का होगा 90 डिग्री, साउथ वेस्ट का होगा 90 डिग्री, वेस्ट नॉर्थ का होगा 90 डिग्री। तो यहां पर ये जो एंगल पूछा है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच का वो कितना होगा, वो होगा 45 डिग्री। ठीक है, यहां पर देखो मैंने क्या बोला, सपोज मैं यहां पर नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रहा हूं, ठीक है, और मैंने अगर राइट टर्न लिया, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो यहां पर ऐसा खड़ा हूं, यहां से मैंने राइट टर्न लिया मतलब मैं 90 डिग्री मुड़ा, जब मैं 90 डिग्री मुड़ रहा हूं मतलब एक मैंने राइट लिया, या मैं यहां पर खड़ा था मैंने एक लेफ्ट लिया, मतलब मैं कितना मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ा। कहीं पर भी क्वेश्चन में, कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे लिख के आता है एक राइट लिया एक लेफ्ट लिया, मतलब वहां पर वो 90 डिग्री मुड़ा है, कितना मुड़ा है 90 डिग्री, वही यहां पर नोट नंबर वन है, वन राइट होने दो, एक राइट है या एक लेफ्ट है उसका सिंपल मीनिंग है आप कितने डिग्री से रोटेट हुए हो, 90 डिग्री से रोटेट हुए हो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पर देखो बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि राइट लेता हूं मतलब क्या, लेफ्ट लेता हूं मतलब क्या, ये यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर देखो मेरे पास यहां पर एक पेज पर ये क्या फिर से एक प्लस का साइन है, अगर ऊपर की जो डायरेक्शन होगी उसे क्या बोला जाएगा, नॉर्थ बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ के अपोजिट जो होगा वो होगा साउथ, नॉर्थ के राइट साइड में जो होगा वो होगा ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा। क्लियर है, हाँ। अब यहां पर देखो नोट नंबर वन, नोट नंबर वन में क्या है, सपोज मैं ऊपर जा रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं मतलब मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूं, नॉर्थ डायरेक्शन में, मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं मतलब मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूं, नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो और अगर आपको बोला है कि राइट साइड टर्न हो जाओ, राइट साइड वन राइट मतलब कितना, 90 डिग्री घूमना है, मतलब मैं ऐसे था अब मैं ऐसे हो गया, मतलब ये लाइन, मतलब ये लाइन समझ में आ रहा है ना, ये लाइन, तो ये लाइन कहां पर जा रही है, ये कौन सी है, ईस्ट डायरेक्शन में। अगर मैंने यहां पर राइट लिया, अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, अगर मैंने यहां पर राइट लिया, ये बन गया आपका राइट, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, आपने वहां से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया मतलब 90 डिग्री घुमा, मतलब ये यहां पर था, यहां का इसका लेफ्ट ये है, यहां से 90 डिग्री मतलब यहां पर, मतलब यहां पर ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन है, और वो लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी है, वहां पर है वेस्ट डायरेक्शन। देखो ये रिमेंबर नहीं किया जाता, ये मगअप नहीं किया जाता कि अगर मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं तो राइट साइड में ईस्ट होगा, अगर लेफ्ट साइड में जाता हूं वो वेस्ट होगा, ऐसा नहीं। आप डायग्राम देखकर बता सकते हो, अगर मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं 90 डिग्री घुमा तो ऑब्वियसली कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन मुड़ा, लेफ्ट डायरेक्शन 90 डिग्री तो कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन है। ये बन गए आपकी नोट नंबर वन, ठीक है, हाँ। नोट नंबर टू देखो क्या है, नोट नंबर टू में मैं जा रहा हूं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, यहां पर देखो ये ईस्ट की तरफ जा रहा हूं मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं, तो यहां पर मेरी ये डायरेक्शन है ईस्ट, समझ में आ रहा है ना, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। अब ईस्ट डायरेक्शन आते जाते समय अगर मैंने 90 डिग्री लिया यहां पर, समझ में आ रहा है, 90 डिग्री यहां पर देखो, आप यहां पर देख सकते हो, अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं वहां से मैं 90 डिग्री मुड़ा राइट साइड में, तो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा था वहां से मैं 90 डिग्री मुड़ा लेफ्ट साइड में, तो कौन सी आ गई, नॉर्थ आ गई। वही मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां पर ईस्ट पर जा रहा हूं तो ईस्ट के राइट साइड में अगर मैं देखूं तो आपको क्या मिलेगा, साउथ, लेफ्ट साइड में देखो तो क्या मिलेगा, नॉर्थ। यहां पर देखो मतलब ईस्ट कर ईस्ट के तरफ जा रहा था, इससे राइट मतलब साउथ, इससे लेफ्ट मतलब क्या, नॉर्थ। यहां पर देखो तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो डायरेक्शन होगी राइट साइड वाली, कौन सी डायरेक्शन है ये, मैंने कौन सा लिया है, राइट टर्न लिया है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी साउथ डायरेक्शन। अगर मैं लेफ्ट मुड़ा, अगर मैं यहां पर लेफ्ट मुड़ा, अगर मैं यहां पर लेफ्ट साइड मुड़ा तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा आपको नॉर्थ डायरेक्शन। और मैं जा कौन से डायरेक्शन में रहा था, मैं जा कौन से डायरेक्शन में रहा था, ईस्ट डायरेक्शन। यहां पर मैं जा कौन से डायरेक्शन में रहा था पहले, नॉर्थ डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में जा रहा था पहले, नॉर्थ। नॉर्थ पर जाते समय राइट साइड में आएगा ईस्ट, लेफ्ट साइड में आएगा वेस्ट। ईस्ट की तरफ जाते समय राइट साइड में आएगा साउथ, लेफ्ट साइड में आएगा नॉर्थ। नोट नंबर टू, डरो मत। यहां पर देखो अब बात करते हैं नोट नंबर थ्री की।
अब मैं जा रहा था साउथ की तरफ, यहां पर देखो ये एरो नीचे है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था मैं, साउथ में, समझ में आ रहा है ना। अब मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं, साउथ तक जाते समय लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है आपको दिख रहा है? अगर मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं, साउथ के लेफ्ट में यहां पर कौन आ रहा है? ईस्ट। और राइट में कौन आएगा? वेस्ट आएगा। क्लियर है? हाँ। तो साउथ में जाते समय राइट लेफ्ट में, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, देखो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ये आपका राइट है बट आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो इसलिए आपका राइट है, बट आप साउथ की तरफ देख रहे हो मतलब यहां पर देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना। पेज पर आपको ये इमेजिन होना चाहिए, आप साउथ की तरफ देख रहे हो, साउथ के राइट में आएगा वेस्ट, लेफ्ट में आएगा आपका ईस्ट, मतलब यहां पर आप मुड़ गए, मतलब आप कहां पर मुड़ गए? आप मुड़ गए लेफ्ट में। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है आपकी ईस्ट डायरेक्शन। यहां पर आप मुड़ गए मतलब ये राइट डायरेक्शन है, और इस राइट साइड में जो आएगा, यहां पर राइट साइड में जो आएगा वो कौन सा होगा? वो होगा वेस्ट। और यहां पर आप जा कौन से डायरेक्शन में है? आप जा रहे हैं साउथ डायरेक्शन। दिस इज नोट नंबर 3। नोट नंबर व्हाट? 3। डरो मत, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आगे जाकर और सिंपल होगा, ठीक है। चलो नोट नंबर 4 देखो क्या है। अब मैं जा रहा हूं वेस्ट डायरेक्शन में, सिर्फ यहां पर देखना है वेस्ट, वेस्ट का राइट, यहां पर देखो ये वेस्ट है, ये वेस्ट है ना, वेस्ट का राइट मतलब ये, वेस्ट का राइट मतलब ये मतलब नॉर्थ, वेस्ट का लेफ्ट मतलब ये मतलब कौन सा? साउथ। क्लियर है? हाँ। तो यहां पर मैं जा रहा था वेस्ट डायरेक्शन में, कहां पर जा रहा था मैं? वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट को जाते समय, वेस्ट को जाते समय मेरा राइट मतलब ये वाला राइट है, राइट मतलब क्या है? नॉर्थ है। वेस्ट को जाते समय यहां पर अगर मैंने राइट टर्न लिया, अगर मैंने राइट टर्न लिया तो मैं किसकी तरफ जा रहा हूं? नॉर्थ की तरफ। अगर मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो मैं कहां पर जा रहा हूं? लेफ्ट मतलब मैं जा रहा हूं साउथ की तरफ। कहां पर जा रहा हूं? साउथ की तरफ। इतना रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आपको वहां पर इमेजिन करना होगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली हम यहां पर मुड़ते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन के पहले पाइथागोरस थ्योरम जो हम 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड स्कूल में भी पढ़े हैं, कॉलेज लाइफ में भी पढ़े, फिर भी एक बार यहां पर मैं रिवाइज करता हूं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है हमें आगे जाकर चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे ये पाइथागोरस क्यों पढ़ना है, तो आगे जाकर आपको ये चाहिए, इसलिए जस्ट इंट्रोडक्शन यहां पर मैंने किया है, ठीक है। देखो तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, अगर मैं बताऊं मुझे पाइथागोरस थ्योरम बताना है तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ये सिर्फ एप्लीकेबल होता है 90 डिग्री ट्रायंगल को। किसके लिए? 90 डिग्री मतलब मेरे पास एक साइड है, ये दूसरी साइड है, दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, मेरे पास अगर ये हाइट है और ये क्या है? बेस है। सपोज ये बेस की वैल्यू x है, यह हाइट की वैल्यू क्या है? वाई है। अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं तो उसे बोला जाता है हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस सपोज यहां पर है जेड, क्या है? जेड। अगर इस जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो ये जेड की वैल्यू क्या होगी? दिस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसका मतलब दिस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट में, अंडर रूट में आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आएगा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल मीनिंग ये है कि हाइपोटेनस जो होगा, हाइपोटेनस जो होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अंडर रूट में रख दो, ये आपको मिलेगा हाइपोटेनस। क्लियर है? चलो एक जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर ड्रॉ किया। सपोज ये बेस 3 है और ये हाइट कितनी है? 4 है, और आपको बोला है कि हाइपोटेनस फाइंड करो। तो सपोज ये हाइपोटेनस के मैं बोलता हूं जेड, क्या बोलता हूं? जेड। तो दिस जेड इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में बेस का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू, बोलो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। इज इक्वल टू अंडर रूट में 9 प्लस 16 आएगा आपका यहां पर 25। उसका अंडर रूट भी अगर मैं निकालता हूं तो ये कितना मिलेगा? 5 मीटर निकलेगा, मतलब हाइपोटेनस आपको मिल गया 5 मीटर। आगे इसका यूज है इसलिए मैंने पहले ही ये क्लियर करके दिया है, ठीक है। चलो डरो मत, कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, अब तक जो पढ़ा है वो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, डरने की बात नहीं है। चलो देखो, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या बोल रहा है? रंजन वॉक्स 8 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। डरो मत, कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो, मैं यहां पर डायरेक्शंस ड्रॉ करता हूं, यहां पर देखो, ये मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं डायरेक्शंस, यहां पर देखो, ये जो डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन जो होगी,
अपवर्ड जो डायरेक्शन होगी इसे बोला जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन होगी साउथ, नॉर्थ के राइट साइड में होगा ईस्ट डायरेक्शन और यहां पर ये डायरेक्शन होगा वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? हाँ, देखो यहां पर देखो क्या बोला है, रंजन वॉक्स 8 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। रंजन कहां पर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। सिंपल है, पहला क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई मत करो, मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, सब कुछ आपसे भी सॉल्व होगा इसके बाद, ठीक है। हाँ देखो, सिर्फ डायरेक्शन देखनी है, रंजन वॉक्स 8 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 8 मीटर कहां पर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। यहां पर देखो, यहां पर देखो, रंजन जा रहा है 8 मीटर नॉर्थ की तरफ। क्लियर है? हाँ, ही टर्न टू हिज राइट, देखो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, इसका राइट मतलब यहां पर गया, वो कितना गया रे, टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 16 मीटर। देखो यहां पर 8 मीटर गया था ना, अब यहां से वो कितना गया है, अब यहां से गया है 16 मीटर इस डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ, आगे देखो, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। अब देखो इस तरफ जा रहा था इसका लेफ्ट मतलब ऊपर ना, मतलब यहां पर, और कितना गया रे, 5 मीटर गया बोल रहा है, यहां पर 16 मीटर गया था। क्लियर है? हाँ, डरो मत, कुछ भी नहीं है। एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद फिर से अब ये लेफ्ट में उड़ा एंड वॉक 16 मीटर। यहां पर देखो, जब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो यहां से 16 मीटर राइट में मुड़ा, समझ में आ रहा है ना, राइट में 16 मीटर, उसके बाद लेफ्ट लिया 5 मीटर मुड़ा, अब ये बोल रहा है कि फिर से लेफ्ट लिया। अब देखो नॉर्थ की तरफ लेफ्ट मतलब ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मतलब फिर से ये यहां पर आ गया यहां पर, बट डिस्टेंस भी सेम है, 16 मीटर राइट गया था, अब यहां से फिर से 60 मीटर लेफ्ट को आया है, मतलब इस पॉइंट पर अभी कौन है, रंजन दास है, कौन है, रंजन है। अब यहां पर है आपके पास रंजन और यहां पर आपका था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था आपका, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है आपका फाइनल पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है आपका, फाइनल पॉइंट है। हाँ, क्या पूछा है देखो, क्या पूछा है देखो, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पर है ये हमें बताओ, इसका ये क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो स्टार्टिंग से फाइनल तक एक लाइन ड्रॉ करो, मतलब ये लाइन, समझ में आ रहा ना, या कलर से मैं दिखाता हूं, यहां पर देखो, यहां पर देखो ये लाइन, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका आंसर होगा, वही तो पूछा है ना। तो ये डिस्टेंस कितना होगा रे, मुझे बताओ, ये 8 है, ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 5, मतलब ये आंसर कितना होगा, 8 प्लस क्या होगा 5, दैट इज इक्वल टू 13 मीटर। कितना हो गया, 13 मीटर, मतलब आंसर हो गया आपका यहां पर सी। डरने की बात नहीं है, फिर से एक बार आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सुंदरी, कौन है सुंदरी, वॉक्स 8 किलोमीटर इन नॉर्थ। देखो यहां पर फिर से, सपोज मेरे पास ये डायरेक्शन से, सपोज मेरे पास ये डायरेक्शन से ऊपर में आता है कौन, बोलो, ऊपर में आता है नॉर्थ, नीचे आता है साउथ, नॉर्थ के राइट में आता है आपका यहां पर ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में आता है वेस्ट। क्लियर है? हाँ, सुंदरी जा रही है, सुंदरी वॉक्स 8 किलोमीटर इन द नॉर्थ। देखो यहां पर सुंदरी कहां पर जा रही है, 8 किलोमीटर जा रही है नॉर्थ के डायरेक्शन में। क्लियर है? हाँ, देन शी टेक्स राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अब इसने लिया राइट और 4 किलोमीटर बढ़ गए आगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही थी। हाँ, She again take right turn and walk it 8 किलोमीटर। डरो मत, यहां पर देखो, जब ये नॉर्थ की तरफ जा रही थी तब उसका राइट मतलब क्या था, ईस्ट था, नॉर्थ की तरफ जाते समय इसका राइट मतलब ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ कितना गया, 4 किलोमीटर गया। अब ईस्ट की तरफ जा रहा था, जा रही थी, तब उसने क्या किया, फिर से एक राइट टर्न लिया। जब ईस्ट की तरफ जा रही थी तब फिर से एक राइट टर्न, मतलब कहां पर मुड़ गई, अब ये साउथ में मुड़ गई, मतलब नीचे, अब यहां पर, और डिस्टेंस कितना बोला है, डिस्टेंस बोला 8 किलोमीटर। यहां पर देखो ये 8, ये यहां से यहां तक गए तो 8 था, इसका मतलब यहां से भी यहां पर आते समय 8, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पर आएंगे। अगर ये 5 बोलता तो ये यहां तक आएगा,
अगर ये चार बोलता तो यहां तक आएगा, इसने आठ ही बोला है, यहां से यहां तक जाते समय आठ के लिए डिस्टेंस था, तो यहां से यहां तक आते समय भी क्या होगा, आठ होगा, मतलब सेम लेवल पर होंगे। अब पूछ रहा है हाउ फार शी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गई बात। ये जो पॉइंट था ये आपका क्या था, ये था आपका स्टार्ट पॉइंट, ये क्या था आपका स्टार्ट पॉइंट, और यहां पर जो है आपका उसे बोला जाएगा फाइनल पॉइंट, क्या बोला जाएगा फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, कितना उसका डिस्टेंस है, इसको इन दोनों को कनेक्ट कर दो, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, यहां पर देखो इन दोनों को मैंने कर दिया कनेक्ट, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस आपका आंसर होगा, ये डिस्टेंस ये चार है, इसका मतलब ये भी कितना होगा 4 किलोमीटर होगा, आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। तो दो क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये, कांचा वॉक्स, कौन है कांचा वॉक्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर से सेम सेम सेम, यहां पर देखो, यहां पर देखो ये जो डायरेक्शन है ये है नॉर्थ, ये जो है ये है साउथ, ये है आपके पास ईस्ट, ये है आपके पास वेस्ट, करेक्ट है। हाँ, अब क्या बोल रहा है, कांचा वॉक्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यहां पर देखो नॉर्थ की तरफ जा रहा है कांचा, कितना गया, कितना गया 12 मीटर गया या 12 किलोमीटर गया, ठीक है नॉर्थ, देन टर्न टू इज राइट, देखो नॉर्थ की तरफ जा रहा था टर्न राइट, नॉर्थ की तरफ जाते समय राइट मतलब क्या ईस्ट, यहां पर गया, कितना गया रे ट्रेवल्स 5 किलोमीटर, ट्रेवल शॉर्ट 5 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, देन हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन, इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ लिया इन्होंने, यहां पर देखो, यहां पर देखो क्या बोला, यहां पर सबसे पहले कांचा नॉर्थ की तरफ जा रहा था, कितना गया 12 किलोमीटर गया, उसके बाद उसने राइट लिया मतलब इस तरफ गया और कितना गया 5 किलोमीटर गया, मतलब आपका ये कौन सा पॉइंट था, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये बन गया यहां पर आपका फाइनल पॉइंट, इसके बाद कुछ बोला ही नहीं है, इसके बाद कुछ बोला ही नहीं है, ये बन गया आपका फाइनल पॉइंट। और अब ये बोल रहा है देन हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों भी क्वेश्चन में हमने क्या किया था रे, फाइनल पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट को कनेक्ट करके दिया था, कनेक्ट कर स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया था, यहां पर भी देखो आप स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये स्टार्ट और फाइनल दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया था, सेम आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। अब यहां पर ये आपको मिल गया स्टार्ट पॉइंट, ये मिल गया आपको फाइनल पॉइंट, अब इन दोनों को करना होगा मुझे कनेक्ट, इन दोनों को मुझे करना होगा कनेक्ट, और ये डिस्टेंस आपको पूछा है। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, ये डिस्टेंस आप फाइंड करोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग व्हाट पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है कि अगर ये राइट एंगल है, अगर ये राइट एंगल है, ये 12 है, ये 5 है, समझ में आ रहा है ना, ये 12 है और ये कितना है 5 है, तो इस केस में ये हाइपोटेनस कितना होगा, सपोज ये जेड वैल्यू है तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर आता है 144 प्लस ये आता है 25, सो दैट इज इक्वल टू ये आएगा 169, अंडर रूट के बाहर आएगा 13, तो इसका आंसर कितना होगा 13 होगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्या बोल रहा है ये, नीरज ड्राइव्स हिज कार 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्टवर्ड डिरेक्शन, यहां पर देखो फिर से क्या करना है आपको, डिरेक्शन यहां पर मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है यहां पर देखो, तो यहां पर आपके पास ये ऊपर वाला जो होगा वो होगा नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट होगा साउथ, नॉर्थ के राइट साइड में होगा ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में होगा यहां पर वेस्ट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, नीरज ड्राइव्स हिज कार 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्टवर्ड, ये कार से जाने दो या पैदल जाने दो, हमें क्या करना है, बट ये जा कहां रहा है, कहां पे जा रहा है, ये जा रहा है ईस्टवर्ड डायरेक्शन, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, कितना 50 किलोमीटर, ठीक है। सपोज यहां पर ये गया 50, कितना गया 50 गया, ठीक है। यहां पर देखो ही टर्न राइट एंड ड्राइव फॉर 30 किलोमीटर, देखो ईस्ट की तरफ जा रहा था अब राइट ले लिया, मतलब कहां पर जा रहा है साउथ, देखो ईस्ट की तरफ जा रहा था अब राइट लिया, मतलब कहां पर जा रहा है साउथ की तरफ, मतलब नीचे जा रहा है, नीचे कितना गया, नीचे गया यहां पर 30 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, अब देन ही टर्न वेस्ट, देखो यहां पर जिस डिरेक्शन, अब ये नीचे डिरेक्शन में जा रहा है, बट इन्होंने बोला है कि अब वो वेस्ट डिरेक्शन की तरफ मुड़ा, वेस्ट कहां पर है, यहां पर, मतलब ये इस डिरेक्शन में मुड़ा, यहां पर देखो, हाँ वेस्ट इस डिरेक्शन में है, यहां पर जा रहा था अब वो वेस्ट डिरेक्शन में मुड़ा, ओके कितना, एंड ड्राइव फॉर 10 किलोमीटर, और यहां से ये आगे गया कितना, सिर्फ 10 किलोमीटर,
किलोमीटर, ठीक है। हाँ, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन, यहां पर देखो ये आपका बन गया स्टार्ट पॉइंट, ये आपका बन गया स्टार्ट पॉइंट, क्लियर ना। हाँ, और यहां पर ये जो आपका है ये क्या है, आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। हाँ, और ये बोल रहा है फाइनल पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस फाइनल पॉइंट से कितना है, ये आपको निकालना है। डरो मत, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहां पर देखो मैं ये ट्रायंगल पूरा करता हूं, यहां पर ये ट्रायंगल मैंने यहां पर कर लिया पूरा, ये ट्रायंगल मैंने कर लिया यहां पर पूरा। यहां पर देखो ये टोटल डिस्टेंस 50 है ना, आपको ये फाइंड करना है। हाँ, बट उसके लिए मेरे पास बेस और हाइट चाहिए, ये सेपरेट यहां पर मैं ड्रॉ करके लेता हूं। यहां पर देखो, यहां पर मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। आपको ये निकालना, ये जेड आपको निकालना है, ये जेड आपको निकालना है, ठीक है। हाँ, उसके लिए इसका ये जो बेस है ये है। अब ये बेस कितना, यहां पर देखो ये टोटल कितना है, 50 है ना, 50 में से 10 चला गया, मतलब ये होगा सिंपल, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है ना, ये दोनों लेंथ सेम है, ये 50 है ना, मुझे ये निकालना है। तो 50 में से ये टोटल 50 में अगर 10 गया तो कितना बचा, 40, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये है 40। यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं तो ये कितना है, 40। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30, मतलब अगर मैं यहां से बोलूं, अगर मैं यहां से बोलूं तो ये कितना है, 30, मतलब इस ट्रायंगल की ये जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। आपको निकालना है ये हाइपोटेनस, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, अंडर रूट में क्या होगा बोलो, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू, 30 का स्क्वायर कितना आता है, 900 आता है, 40 का स्क्वायर, पहले 4 का बताओ, 4 का कितना आएगा, 16, 10 का कितना आएगा, 100, मतलब 1600, सो दैट इज इक्वल टू 900 प्लस 1600, मतलब 2500, सो दैट इज इक्वल टू आएगा 50, कितना आएगा, 50। तो आंसर है आपके पास यहां पर ए, इतना सिंपल ये क्वेश्चन था। सिर्फ लॉजिक आपको लगाने हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पहले बताए थे उसको अगर आप रिमेंबर करते हो, ये सारे क्वेश्चंस क्या है, सिंपल है। टोटल अगर डायरेक्शन की बात करूं तो टोटल, ये मेरे ख्याल से स्लाइड नंबर चल रहे हैं 9, टोटल 59 स्लाइड है, मतलब कितने भी लेक्चर होने दो हर एक पॉइंट यहां पर क्लियर होगा। एक बार ये पूरा यूनिट आप देखते हो तो डायरेक्शन में कौन सा भी क्वेश्चन आपके सामने आने दो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कुछ समय के अंदर, क्लियर है। तो चार क्वेश्चन यहां पर हो गए, एक कैटेगरी के क्वेश्चन हो गए। आगे जाकर हमें डायरेक्शन के भी क्वेश्चन देखने हैं। अब तक हमें आपको सिर्फ क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं देखे। उसके लिए थोड़ा बेसिक हम सबसे पहले यहां पर देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, आपको बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाते। उसके लिए यहां पर ये बेसिक यहां पर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मेरे पास फिर से डायरेक्शंस आती है। सबसे पहले डायरेक्शन आती है, ये कौन सी है, नॉर्थ, ये कौन सी है, साउथ। नॉर्थ के राइट साइड में कौन आएगा, नॉर्थ के राइट साइड में आएगा ईस्ट। ईस्ट के अपोजिट कौन आएगा, ईस्ट के अपोजिट आएगा वेस्ट, क्लियर है। हाँ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच कौन आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच कौन आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। साउथ एंड ईस्ट के बीच कौन आएगा, साउथ ईस्ट आएगा। वेस्ट एंड साउथ के बीच कौन आएगा, साउथ वेस्ट आएगा। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच आएगा नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है। ये मैंडेटरी है, ये हर बार निकालना जरूरी है, ठीक है। एक बार आपको आदत हो गई उसके बाद निकालने की जरूरत नहीं है, बट स्टार्टिंग में आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो अब यहां पर एग्जाम्पल नंबर वन में क्या है, मेरे पास ये स्टार्ट पॉइंट है, मैंने यहां से जर्नी स्टार्ट की, मैंने खुद ने यहां से जर्नी स्टार्ट की। अब मैं जा रहा हूं नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से मैंने ले लिया एक राइट, मतलब मैं यहां पर गया। अब यहां से मैंने फिर से ले लिया एक राइट और यहां पर आ गए आपका फाइनल पॉइंट, ये आ गया आपका फाइनल पॉइंट, ये आ गया आपका फाइनल पॉइंट। तो आपको यहां पर पूछ सकते हैं, फाइनल पॉइंट पर जब आप पहुंचे हो तो साउथ स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डायरेक्शन कौन सी है, क्या पूछेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डायरेक्शन कौन सी है। इसलिए यहां पर लिखा है हेडिंग डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। आपको पूछ सकते हैं जब आप फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए हो तो स्टार्ट पॉइंट से इसकी डायरेक्शन कौन सी है, कुछ भी नहीं करना है, यहां पर एक डॉटेड लाइन दिखानी है और स्टार्ट पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन मांगी है, इसलिए इस डायरेक्शन में एरो करना है। समझ में आया ना। हाँ, अब सिंपल बात बताओ, स्टार्ट से फाइनल की ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है, कौन सी है, ईस्ट है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। बट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, आपको पूछा जाएगा डायरेक्शन ऑफ फाइनल पॉइंट
फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ये कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा, कौन सी डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर टू, सपोज मैं यहां पर था, मैं यहां पर, मेरे पास यहां पर ये आपका पॉइंट है स्टार्ट पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है आपके पास स्टार्ट पॉइंट। यहां से मैं निकला, नॉर्थ की तरफ गया, यहां पर गया, यहां से मैंने एक राइट लिया, मैं यहां पर गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब मैं ईस्ट की तरफ देख रहा था ना, ये डायरेक्शन मतलब मैं ईस्ट की तरफ देख रहा था, यहां से मैंने 45 डिग्री टर्न मारा। यहां पर देखो, ईस्ट से 45 मतलब मैं ईस्ट डायरेक्शन में गया। ये जो एंगल है, ये जो यहां पर एंगल है ये है 45 डिग्री। अब मैं इस डायरेक्शन गया और ये है मेरा फाइनल पॉइंट, यहां पर है मेरा फाइनल पॉइंट। और अब आपको पूछा कि फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी है। तो फिर से क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ क्या करो, लाइन ड्रॉ करो। मतलब ये बन गई लाइन, ये बन गई यहां से लाइन, और इसको दे दो ये एरो। ये डायरेक्शन कौन सी है? हेलो, ये डायरेक्शन, इधर देखो कौन सी है? ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। कितना सिंपल है, फाइनल पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट के बीच क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो। स्टार्ट से फाइनल तक पूछा, इसलिए स्टार्ट से फाइनल तक एरो दिखाओ। एरो की जो डायरेक्शन होगी इस यहां पर, वो आपका आंसर होगा। मतलब इस केस में आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। नेक्स्ट, और एक देखो, नंबर थ्री, सपोज यहां पर मेरा स्टार्ट पॉइंट है, मैं गया ईस्ट की तरफ, मैं कहां पर गया ईस्ट की तरफ जाते समय अब मैंने राइट लिया ईस्ट की तरफ जाते समय मैंने राइट लिया, मतलब मैं जा रहा हूं अभी साउथ की तरफ, ये साउथ की तरफ गया। और जब मैं साउथ की तरफ जाता तब मैंने फिर से राइट लिया, मतलब मैं किसकी तरफ जा रहा हूं, वेस्ट की तरफ जा रहा हूं, और यहां पर आकर मैं रुक गया। ये मेरा है फाइनल पॉइंट, यहां पर मेरा मिल गया फाइनल पॉइंट। अब आपको पूछा है कि फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्ट पॉइंट क्या है। तो फिर से क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट से यहां पर फाइनल पॉइंट की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है और ये एरो दिखाना है। ये एरो स्टार्ट से फाइनल, ये एरो कौन सा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहां पर आंसर होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, अब इसके बाद अब ये कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, कौन है गजनी, क्या बोल रहा है गजनी? गजनी रन्स 12 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। फिर से मैंडेटरी है यहां पर आपके पास ये डायरेक्शंस, मैंडेटरी क्या है, डायरेक्शंस। बोलो ऊपर कौन सी है, ऊपर है नॉर्थ, यहां पर है साउथ, यहां पर है आपके पास ईस्ट, यहां पर है आपके पास वेस्ट, ठीक है। हाँ, गजनी 12 किलोमीटर जा रहा है कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ, मतलब इधर जा रहा है, करेक्ट है ना। मतलब यहां से सपोज ये इस डायरेक्शन में गया, कितना गया रे 12 किलोमीटर गया, ठीक है। हाँ, इन वेस्ट डायरेक्शन 3 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, पहले जा रहा था वेस्ट डायरेक्शन में, अब बोला है साउथ, साउथ मतलब कहां पर, नीचे, कितना गया साउथ में, साउथ में गया 3 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, एंड देन 12 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। देखो कहीं पर भी जाने दो, यहां पर जा रहा था ना, अब यहां पर है, यहां से क्या बोला है 12 किलोमीटर इन ईस्ट, ईस्ट मतलब यहां पर, अब यहां पर, यहां से फिर से कितना गया 12 किलोमीटर गया, यहां पर आया था, अब आ गया यहां पर। अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये कहां पर है, कौन से डायरेक्शन में है, कुछ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये स्टार्ट पॉइंट है। अरे बोला था ना, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है आपका फाइनल पॉइंट, ये है आपका फाइनल पॉइंट। आप बोलोगे सर यहां से निकला तो यहीं पर कैसे आकर रुक गया, इसके पीछे क्यों नहीं रुका या इसके बाद क्यों नहीं रुका? अरे भाई यहां पर देखो, यहां से निकला 12 किलोमीटर, यहां से 3 किलोमीटर यहां पर गया, फिर से यहां से 12 किलोमीटर गया, मतलब एग्जैक्टली इसके सामने ही आएगा,
क्लियर है ना। हाँ, अब क्या करना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, क्या करना है दे दो कनेक्ट करके, क्लियर है। हाँ, डायरेक्शन कहां से पूछी है, स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब स्टार्टिंग से यहां तक जाते समय निकालो एरो, निकालो क्या एरो, मतलब ये है आपका आंसर, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है साउथ डायरेक्शन, आंसर विल बी साउथ, आंसर विल बी साउथ। इतना सिंपल है, इतना क्या है, सिंपल है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है, गजनी फिर से 12 किलोमीटर जा रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में, गजनी फिर से जा रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में, यहां पर वेस्ट की डायरेक्शन में कितना गया 12 गया, फिर से गजनी जा रहा है 3 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में, यहां पर 3 गया, फिर से अब यह जा रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में कितना, बट ईस्ट के डायरेक्शन में कितना 8 किलोमीटर, कितना 8 किलोमीटर गया ये ईस्ट के डायरेक्शन में। अब देखो यहां पर ये था आपका कौन सा, फिर से ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका, ये है आपका फाइनल पॉइंट, ये है आपका फाइनल पॉइंट, दोनों को कर दो कनेक्ट, दोनों को कर दो कनेक्ट। बट डायरेक्शन कहां से पूछी है, स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग से फाइनल तक जाते समय आपको एरो करवाना है, ये है आपका आंसर। उसके लिए मैंडेटरी क्या है, उसके लिए मैंडेटरी क्या है बोलो रे, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये कौन सी है, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सी है साउथ ईस्ट, ये कौन सी है साउथ वेस्ट, ये कौन सी है नॉर्थ वेस्ट, आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, मतलब आंसर है आपका साउथ वेस्ट, आंसर है आपका साउथ वेस्ट। इतना ये सिंपल क्वेश्चन था, इतना ये सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेवन में देखो क्या है, देखो क्या है, फिर से मैंडेटरी क्या है, सबसे पहले निकालो डायग्राम, यहां पर ये है आपके पास नॉर्थ, ये है आपके पास साउथ, ये है आपके पास ईस्ट, ये है आपके पास वेस्ट, क्या है आपके पास वेस्ट, ठीक है। यहां पर देखो बहुत सिंपल है, यहां पर देखो क्या बोल रहा है, ये सागर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स होम, सागर घर से निकला है, ठीक है, एंड वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट किधर है रे, यहां पर वेस्ट है, मतलब सागर निकला और 15 मीटर चला ईस्ट डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है, यहां पर देखो, यहां पर देखो इस डायरेक्शन में चला 15 मीटर, ठीक है। हाँ, ही टर्न लेफ्ट, यहां पर देखो इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहां से लेफ्ट मतलब इधर ना, यहां से लेफ्ट मुड़ा और लेफ्ट कितना मुड़ा रे, लेफ्ट मुड़ा कितना, एंड ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, यहां से ये गया 20 मीटर, क्लियर है। हाँ, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन ही टेक्स लेफ्ट, यहां पर देखो अब ये इस तरफ जा रहा था ना, यहां पर देखो इस तरफ जा रहा था, अब लेफ्ट मुड़ा मतलब किसकी तरफ मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा मतलब किसकी तरफ मुड़ा, ईस्ट की तरफ, और कितना गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर से यहां पर आ गया, अरे फिर से इसके सामने आ गया यहां पर, कितना 15 मीटर। अब देखो अगेन ही टर्न्स राइट, यहां पर देखो जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा था अब राइट लिया, अरे ईस्ट में जा रहा था, ईस्ट में जाते समय राइट लिया, राइट लिया मतलब कहां पर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, कितना गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 50 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर या 12 मीटर, अब कितना गया 12 गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम होम, क्या बोला है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। सबसे पहले क्या किया इसने, सागर निकला घर से, कहां पर गया, वेस्ट डायरेक्शन में गया, कितना 15 मीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट, इसका लेफ्ट मतलब ये कितना गया 20 मीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट, इसका लेफ्ट मतलब ये कितना गया 15 मीटर, अगेन ही टेक्स राइट, है ना, ईस्ट को जाते समय राइट लिया मतलब साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, कितना 12 मीटर, और यहां पर आकर रुक गया, ये आपका बन गया फाइनल पॉइंट, ये बन गया आपका फाइनल पॉइंट। और अब आपको पूछा है कि स्टार्ट पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन कौन सी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है,
सिंपल क्वेश्चन है, इनको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है, इनको आपको करना है ज्वाइन, और आपको डिस्टेंस पूछा है, मतलब आपको ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस आपको पूछा है, और आपको डायरेक्शन पूछी है स्टार्ट पॉइंट से फाइनल पॉइंट, मतलब ये डायरेक्शन आपको पूछी है, ये डायरेक्शन आपको पूछी है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है रे, ये डायरेक्शन कौन सी है रे, ये डायरेक्शन कौन सी है रे, साउथ डायरेक्शन है, तो आंसर में साउथ तो आना चाहिए, मतलब 100% आंसर ए होगा, बट उसके बावजूद हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं, ये 20 है ना, मतलब ये भी कितना होगा 20, यहां से यहां तक ये भी होगा 20, 20 में ये 12 ऐड कर दो, कितना मिला आंसर, आंसर मिला 32 मीटर, और आपकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, साउथ डायरेक्शन है, मतलब आंसर ए कंफर्म्ड है, क्या है कंफर्म्ड है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 काफी स्वीट है, और स्टार्ट भी किसने किया है, स्वीटी ने किया है, स्वीटी वॉज फेसिंग नॉर्थ, गलती से यहां पर हो गया, एच बच गया यहां पर देखो, स्वीटी वॉज फेसिंग नॉर्थ, यहां पर देखो मेरे पास यहां पर ये डायरेक्शन है, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, क्लियर है, हाँ। अब स्वीटी वॉज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, स्वीटी वॉज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ देख रही थी, शी टर्न्स राइट, नॉर्थ की तरफ देख रही थी बट चली नहीं, नॉर्थ की तरफ सिर्फ देख रही थी, स्वीटी वॉज फेसिंग नॉर्थ, शी टर्न्स राइट, मतलब आप कौन सी तरफ, राइट टर्न किया, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वॉक 5 किलोमीटर, मतलब अब स्वीटी गई है 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, नेक्स्ट शी टर्न्स टू लेफ्ट, अब स्वीटी ने लिया लेफ्ट टर्न, मतलब ईस्ट की तरफ जा रही थी, लेफ्ट लिया, मतलब किसकी तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ जाते समय कितना है, 7 किलोमीटर है, कितना है, 7 किलोमीटर है, कितना है, 7 किलोमीटर है, ये कितना था, 5 था, ये कितना है, 7 है, देन शी टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, यहां पर देखो, ये सपोज यहां से स्टार्ट किया, ये 5 था, करेक्ट ना, यहां से फिर से लेफ्ट, यहां पर देखो इस तरफ जा रही है लेफ्ट, लेफ्ट मतलब वेस्ट की तरफ जा रही है, बट गई कितनी रे, गई कितनी रे, 4 मीटर गई, कितनी गई, 4 किलोमीटर गई, 4 किलोमीटर गई, फिर से ड्रॉ करता हूं, यहां पर देखो, यहां पर देखो, स्वीटी नॉर्थ की तरफ देख रही थी, समझ में आ रहा ना, शी टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, मतलब यहां पर ये 5 किलोमीटर गई है, ठीक है, 5 किलोमीटर, उसके बाद शी टर्न्स लेफ्ट, मतलब इसका लेफ्ट मतलब नॉर्थ की तरफ, और कितनी गई, 7 किलोमीटर गई, 7 किलोमीटर गई, हाँ, देन शी टर्न्स टू लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट मतलब ये इस तरफ जा रही है, बट डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर है, ठीक है, एंड वॉक 4 किलोमीटर, देन टर्न 2 किलोमीटर टू राइट, यहां से फिर से राइट मतलब ऊपर जाएगा, यहां से फिर से राइट मतलब ऊपर जाएगा, कितना गया, 2 गई, ठीक है, हाँ, एंड एट लास्ट टर्न टू राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर, फिर से राइट लिया और 7 किलोमीटर यहां पर गई, ये गई है यहां पर 7 किलोमीटर, ठीक है, विच डायरेक्शन सी फेसिंग नाउ, विच डायरेक्शन सी फेसिंग नाउ, कुछ भी नहीं करना है, ये आपका कौन सा था, ये आपका कौन सा था, ये आपका था स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका था स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका है फाइनल पॉइंट, ये आपका है फाइनल पॉइंट, अब यहां पर क्या करना है, स्टार्ट एंड फाइनल को कर देना है कनेक्ट, और स्टार्ट से फाइनल की तरफ दिखाना है एरो, ये डायरेक्शन देखो यहां पर, ये डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आंसर में है क्या, है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यहां पर आंसर है, क्लियर है, चलो अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो बबली वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देखो फिर से मैंडेटरी क्या है रे, फिर से मैंडेटरी यहां पर आपके पास है आपका ग्राफ, क्या है आपके पास यहां पर ग्राफ, यहां पर आएगा नॉर्थ, यहां पर आएगा साउथ, यहां पर आएगा ईस्ट, यहां पर आएगा वेस्ट, क्लियर है, हाँ, चलो क्या बोल रहा है ये, बबली वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ मतलब नीचे, ये गया यहां पर 8 किलोमीटर, ठीक है, हाँ, साउथ, देन टर्न्स राइट, साउथ को जाते समय, साउथ को जाते समय राइट साइड में मतलब क्या यहां पर जा रही है, वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट में कितने गया, वॉक 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चली, ठीक है, हाँ, देन टर्न्स टू लेफ्ट, देखो वेस्ट की तरफ जाते समय लेफ्ट टर्न किया,
वेस्ट की तरफ जाते समय लेफ्ट टर्न किया, मतलब जा रही अब साउथ की तरफ। अब साउथ की तरफ कितनी गई, टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब यहां पर ये गई है 2 किलोमीटर। उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया, साउथ की तरफ जा रही थी, अब लेफ्ट लिया मतलब ईस्ट की तरफ जा रही है और 6 किलोमीटर। देखो ये 3 था ना, 3 से ज्यादा मतलब ये 6 हो गया, अब यहां पर पहुंच गई, ठीक है। देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर से राइट लिया, फिर से राइट लिया, कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो बबली वॉक्स 8 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, 8 किलोमीटर टूवर्ड साउथ गई, ठीक है। वॉक 3 किलोमीटर है ना, एंड यहां पर देखो साउथ, देन टर्न्स राइट, साउथ की तरफ जाते समय राइट लिया 3 किलोमीटर गई, साउथ की तरफ जाते समय, साउथ की तरफ जाते समय राइट लिया मतलब कहां पर जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, कितना गया 3 किलोमीटर। वहां से उसने फिर से लेफ्ट लिया, यहां पर देखो वेस्ट की तरफ जब जा रही थी तब उसने फिर से लेफ्ट लिया मतलब कहां पर मुड़ी, फिर से साउथ की तरफ मुड़ी, कितनी गई यहां पर देखो 2 किलोमीटर गई। साउथ की तरफ जाते समय इसने फिर से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया मतलब किसकी तरफ जा रही थी, ईस्ट की तरफ, और कितनी गई 6 किलोमीटर गई। अब फिर से बोल रहा है देन टर्न्स राइट मतलब ईस्ट की तरफ जाते समय फिर से राइट लिया मतलब किसकी तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, और कितनी चली 2 किलोमीटर चली, ठीक है। फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर, एंड वॉक व्हाट 7 किलोमीटर। फाइनली क्या हुआ था, वॉक 6 किलोमीटर तो हो गया था, वहां से उसने राइट लिया 2 किलोमीटर चला, अब यहां से फाइनली फिर से क्या लिया, एक राइट लिया है। जब मैं साउथ की तरफ जा रहा था यहां से राइट मतलब क्या है, वेस्ट की डायरेक्शन में, और बोल रहा है कितना 7 किलोमीटर। ये बन गया आपका फाइनल पॉइंट, ये बन गया आपका फाइनल पॉइंट, यहां पर था आपका स्टार्ट पॉइंट, ये क्या था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां पर ये आपका बन गया फाइनल पॉइंट। अब यहां पर देखो आपको क्या पूछा है, आपको यहां पर पूछा है देन इन विच डिरेक्शन शी इज वॉकिंग नाउ, इन विच डिरेक्शन शी इज वॉकिंग नाउ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप उसे रॉन्ग कर दोगे, आप इसे रॉन्ग क्यों कर दोगे, आप अब इसके बाद क्या करने वाले हो, स्टार्ट पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को आप कर देने वाले हो कनेक्ट, और ये जो डिरेक्शन होगी वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। आपको जो लग रहा है स्टार्ट एंड फाइनल को आप कनेक्ट कर दोगे, ये जो डायरेक्शन अगर यहां पर दी जाती साउथ वेस्ट, तो आप उसे टिक करते, बट क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्लोजली ऑब्जर्व करो, देन इन विच डायरेक्शन इज श्री वॉकिंग नाउ, वो कौन से डायरेक्शन में अब वॉक कर रही है, वो कौन से डायरेक्शन में वॉक कर रही है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट। आप बोलोगे कि सर अब यहां पर कनेक्ट क्यों नहीं किया, यहां पर पूछा नहीं है, अगर यहां पर वो पूछते नाउ इन विच डायरेक्शन शी इज वॉकिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करना था, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूछा ही क्या है, अब वो कौन से डायरेक्शन में वॉक कर रही है, ये कौन से डायरेक्शन में वॉक कर रही है, वो वेस्ट डायरेक्शन में वॉक कर रही है। तो यहां पर आंसर होगा आपका डी, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो गया आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखो क्या पूछा है, 10 नंबर का क्वेश्चन। देखो रामो टर्न्स 24 टाइम्स टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। देखो यहां पर रामू है, रामू ने क्या किया, 24 टाइम्स लेफ्ट में मुड़ा, रामू 24 टाइम्स लेफ्ट में मुड़ा, एंड 22 टाइम्स कहां पर मुड़ा, राइट में मुड़ा, कहां पर मुड़ा, राइट में मुड़ा, ठीक है। हाँ, नाउ ही इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अभी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, अभी वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, अभी तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब ये क्या बोल रहे हैं, इन विच डिरेक्शन ही हैज स्टार्टेड, उसने कौन से डिरेक्शन से स्टार्ट किया था। यहां पर देखो सिंपल बात यहां पर देखो, सपोज मुझे एक सिंपल बात बताओ, मैं इस तरफ देख रहा हूं, करेक्ट ना, ये कौन सी डिरेक्शन है, साउथ है, ठीक है। हाँ, अगर मैंने साउथ की तरफ जब मैं देख रहा था, मैंने एक लेफ्ट लिया, मतलब अब मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं, मैंने क्या किया, एक लेफ्ट लिया, मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं, फिर से मैंने एक राइट लिया, मतलब मैं फिर से साउथ की तरफ आ गया,
मतलब क्या है, मैंने एक लेफ्ट लिया और मैंने एक राइट लिया, मैंने एक लेफ्ट लिया मैंने एक राइट लिया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे, एक दूसरे को क्या कर रहे, कैंसिल कर रहे, मतलब एक लेफ्ट और एक राइट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सेम अगर मैंने एक राइट लिया, मैं साउथ की तरफ देख रहा था, अब मैंने एक राइट लिया मतलब मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं, अब मैंने फिर से एक लेफ्ट लिया मतलब मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं, मतलब एक राइट और एक लेफ्ट फिर से क्या हो रहे, कैंसिल हो रहे, फिर से क्या हो रहे, कैंसिल हो रहे। मतलब रामू ने जब 24 लेफ्ट लिए उसमें से 22 राइट तो कैंसिल हो गए ना डायरेक्टली, बचे कितने, 24 में से 22 गए, बट बड़ा कौन है, मतलब यहां पर बचे है 2 लेफ्ट, यहां पर बचे है 2 लेफ्ट, समझ में आ रहा है ना। हाँ मतलब 2 लेफ्ट को आपको कंसिडर करना है, डरो मत कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया, ये है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये है आपकी साउथ डायरेक्शन, ये है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये है आपकी वेस्ट डायरेक्शन, और अगर इन डायरेक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं इन डायरेक्शन की बात करूं तो ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये बोल रहा था अभी वो कौन से डायरेक्शन देख रहा है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब ईस्ट डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, देख रहा है साउथ वेस्ट में देख रहा है। अब साउथ वेस्ट अगर मैं 2 लेफ्ट लेता हूं, रिटर्न जाना होगा ना मुझे, समझ में आ रहा है ना। अगर ये साउथ वेस्ट में देख रहा था, पहला राइट मतलब नॉर्थ वेस्ट और एक लेफ्ट मतलब क्या, यहां पर देखो लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, अगर मैं साउथ वेस्ट में देख रहा था, पहला लेफ्ट ले लिया मतलब साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के और एक लेफ्ट मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट किया था, तो आंसर यहां पर होगा नॉर्थ ईस्ट, आंसर क्या होगा नॉर्थ ईस्ट। काफी सिंपल ये क्वेश्चन था, हमेशा अब इतनी बार 24 टाइम्स लेफ्ट दिखाओगे, 22 बार राइट दिखाओगे, उसके बाद देखोगे अब ये साउथ वेस्ट में है तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सिंपल बात है, एक लाइट राइट एक लेफ्ट उसको क्या करना है, कैंसिल कर देना है, और जो बचेंगे और जो डायरेक्शन आपको दी है, आपको डायरेक्शन कौन सी दी है, साउथ वेस्ट में देख रहा था, अब साउथ वेस्ट को दो बार लेफ्ट मुड़ जाओ, दो बार लेफ्ट मुड़ जाओ, जो आपको मिलेगा वो होगा आपका आंसर, तो आंसर यहां पर नॉर्थ ईस्ट। चलो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे, सो दैट आपके क्वेश्चन आपके यहां पर क्या होंगे, कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है देखो, कैटरीना कौन है, कैटरीना टर्न्स 17 टाइम्स टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, कैटरीना ने 17 टाइम्स क्या लिया है, लेफ्ट लिया है। ठीक है हाँ, 19 टाइम्स उसने राइट लिया है, 19 टाइम्स इसने क्या किया है, राइट लिया है। नाउ शी इज इन वेस्ट डायरेक्शन, अभी वो वेस्ट डायरेक्शन में है, अभी वो वेस्ट डायरेक्शन में है, डरो मत। यहां पर देखो, अगर मैं बोलू ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, समझ में आ रहा है ना, ये आपका क्या है, वेस्ट है, और ये वेस्ट की डायरेक्शन में देख रही है, तो 19 लेफ्ट राइट में से 17 लेफ्ट गए, बड़ा कौन है, राइट है, मतलब कितने राइट बचे, 2 राइट बचे, कितने राइट बचे, 2 राइट बचे, 2 राइट बचे, मतलब वेस्ट डायरेक्शन से 2 राइट लेने हैं। ये वेस्ट है ना, वेस्ट का पहला राइट मतलब नॉर्थ, दूसरा राइट मतलब ईस्ट, आंसर विल बी ईस्ट। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, काफी सिंपल है, सेम लॉजिक आपको यहां पर लगाना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे वाले लेक्चर में, इसी कुछ न्यूमेरिकल को कंटिन्यू वहां पर करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।